को अनिरुद्ध करेंगे। बेनकाब। आज हम बेनकाब कर रहे हैं ऐसे धंधे को जो हिंदुस्तान की बीपीओ इंडस्ट्री के लिए खतरा बन सकता है। करण बाहरी के सनसनीखेज सौदे का खुलासा कॉल सेंटर के कारोबार के लिए करारा झटका था। इसके कुछ ही दिन बाद एक और अंडरकवर ऑपरेशन हुआ, एक और सौदा हुआ, लेकिन इसका पता किसी को नहीं चला। आज आप पहली बार टेलीविजन पर पर्सनल डेटा की सौदेबाजी करने वाले उस शख्स को देखेंगे जिसके बारे में शायद अब तक बीपीओ इंडस्ट्री भी अनजान है। सुशांत चंडोक, पेशा कॉल सेंटर कंसल्टेंट। जो कारोबारी सुशांत से सौदा करने आए हैं वो भी पत्रकार हैं। खुफिया कैमरों की नजर इस बार सुशांत पर है। ये मुलाकात भी एक 5 सितारा होटल में हुई। यहाँ सुशांत को ये बताया गया कि पहले उसके डेटा को परखा जाएगा और फिर उसे कंपनी के बॉस से मिलवाया जाएगा। जान पहचान के बाद सुशांत ने डेटा दिखाना शुरू किया। What can you offer? Let's see. It depends on the leaf quality and the data which are there. Like if you can see, just have a look at this leaf sample which I'm carrying with me. It's just simple. The content which you can expect from one lead if you go for hot leads. सुशांत से दूसरी मुलाकात 5 सितारा होटल के उसी कमरे में हुई, लेकिन आज वो यहाँ उस कंपनी के बॉस से मिलने आया है जो उससे डेटा खरीदना चाहती है। छुपे हुए कैमरों से अनजान सुशांत ने पूरी लेन देन के बारे में विस्तार से बताया। इस बार उसने लैपटॉप पर कस्टमर्स का डेटा दिखाया। डेटा देखने के बाद सुशांत से फिर मिलने का वादा किया गया। तीसरी मुलाकात में सुशांत ने हमें एक ऐसी चीज दिखाई जिसे देखकर हम चौंक गए। इस बार सुशांत के पास नए डेटा के अलावा एक और चीज भी थी, वॉइस रिकॉर्डिंग। वॉइस रिकॉर्डिंग यानी कस्टमर्स की कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बातचीत की रिकॉर्डिंग। वॉइस रिकॉर्डिंग को पर्सनल डेटा से भी ज्यादा संवेदनशील और गोपनीय माना जाता है। वॉइस फाइल्स तक सिर्फ कॉल सेंटर के सीनियर स्टाफ की ही पहुंच होती है, लेकिन अब ये भी बिक रही है। ये वॉइस रिकॉर्डिंग इंग्लैंड के कस्टमर की बेहद निजी जानकारी है जो सिर्फ उसी कॉल सेंटर के पास होनी चाहिए जिसके एग्जीक्यूटिव पर भरोसा कर ये जानकारी दी गई थी। लेकिन जरा देखिए सुशांत कितने आराम से रिपोर्टर को ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहा है। Yeah. Okay.
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जरा सुशांत की बात को गौर से सुनिए। सुना आपने, सुशांत खुद कह रहा है कि इस वॉइस रिकॉर्डिंग के अलावा उसके पास ऐसी कई और गोपनीय वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, और वो इन्हें सुनाने को भी तैयार है। वो जानता है कि उसके पास इन वॉइस रिकॉर्डिंग्स का होना और किसी को भी ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाना या बेचना बड़ा अपराध है, मगर फिर भी वो ये गैर कानूनी काम कर रहा है। खुफिया कैमरे के सामने सुशांत चंडोक ने वॉइस रिकॉर्डिंग और पर्सनल डेटा की खुलकर सौदेबाजी। सुशांत चंडोक की असलियत विदेशी मीडिया एजेंसी के कैमरे में तो कैद हो गई, लेकिन ये तस्वीर दुनिया के सामने अब तक नहीं आई। हमारा मकसद सुशांत और करण बाहरी जैसे लोगों के धंधे को बेनकाब करना था, जो महज कुछ रुपयों के लिए कॉल सेंटर के करोड़ों के कारोबार को खतरे में डाल सकते हैं। डेटा चोरी के मामलों की रोकथाम नहीं हुई तो अमेरिका और इंग्लैंड में ऐसे लोगों के विरोध को बल मिलेगा, जो ये नहीं चाहते कि उनके देशों की कंपनियां हिंदुस्तान को आउटसोर्सिंग करें। दुनिया के दूसरे देशों में डेटा चोरी एक संगीन अपराध है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारे देश में अब तक इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बना है, जबकि पूरी दुनिया के तकरीबन 44% आउटसोर्सिंग मार्केट पर हिंदुस्तान के कॉल सेंटर्स का कब्जा है। लाखों विदेशी कस्टमर हिंदुस्तान के कॉल सेंटर्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन डेटा चोरी से उनका भरोसा टूटेगा और हिंदुस्तान के उभरते कॉल सेंटर के कारोबार को भारी नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए बीपीओ इंडस्ट्री को खुद पहल करनी होगी। एक और सच, एक और खुलासा और कई सवालों के जवाब। अगले हफ्ते कुछ और चेहरे होंगे बेनकाब।